तो गाइज टाइम हो रहा है 8:30 और टुक्की स्कूल जा चुकी है, राहुल जी उसे छोड़कर आ चुके हैं और फिर आकर सो गए हैं। और घर की साफ सफाई कर चुकी हूँ, नहा चुकी हूँ और अब मैं कर रही हूँ पूजा। और मेरी पूजा की थालियाँ हो चुकी है रेडी, फिर मैं जाऊँगी नीचे दीप तुलसी में और गणेश जी को दीवा लगाकर फिर सबसे नीचे जाकर पूजा करूँगी। तो गाइज अब चाय हो चुकी है रेडी, ये है मेरी और ये है मम्मी जी की, अब मैं देने जाती हूँ उनको नीचे। तो चलते हैं मम्मी जी की चाय देने। अब तबीयत कैसी है पहले से? अब तो भैया आराम है। अब मम्मी जी की तबीयत है ठीक, अब थोड़ा सा चाय पियेंगी मम्मी। दवाई वगैरह तो नहीं चाहिए? नहीं तो ठीक है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाहुल टॉक व्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइज आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये जो बंदा लेटा हुआ है ना, ये जो डांस करता है, ये बहुत खतरनाक बच्चा है। ये बिल्कुल भी बात नहीं मानता, शरारते ही शरारते, सुबह से लेके रात तक जब तक सोता नहीं है जब तक शरारते करता रहता है। और इतनी ज्यादा शरारते करता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो कितनी शरारते करता है। सोचो सोचो जल्दी सोचो, उतनी करता है शरारत। और बिल्कुल भी बात नहीं मानता, कहना नहीं मानता। हाँ हर टाइम चॉकलेट मांगता है, टॉफ़ी मांगता है, कुरकुरे मांगता है, पेप्सी मांगता है, पिज्ज़ा मांगता है, मोमोस मांगता है, चाउमीन मांगता है, बर्गर मांगता है, ये सब चीज़ मांगता है। ये छोटा सा, आप ये सब चीज़ क्यों मांगते हो? मेरा अच्छा चाहिए। बोलो फेवरेट। तेज बोलो फेवरेट। ये देखा, ये ऐसे करता है। और वो बेचारा नहीं है, वो भी ऐसी है, उसे भी इसके साथ जो इसे चाहिए वो उसे चाहिए। अगर इसने खा ली वो चीज तो वो रोएगा कि इसे क्यों दी थी, मेरे को क्यों नहीं दी। एक चीज बताऊं, जो भी मैं करता हूं एक्टिंग उसकी करता। तो तुम सेम दोनों भाई हो ना, इसलिए है ना भाई। आदि 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 एक बार गाना सुना दे भाई। सब कह रहे थे कमेंट में कि गाना नहीं सुनाया आदि ने बहुत दिन से। और छुट्टी खाई थी वो। चलो गाना सुनाओ। और छुट्टी तो आई नहीं, और छुट्टी खाई थी कसम जो नहीं आई नहीं। और छुट्टी तो आई नहीं, छब मजन आई नहीं। और छुट्टी तो आई नहीं, छब मजन आई नहीं। तो मने मन चल जो आता है वो वाला सुना दे। तेरा और गाइस हमारे घर में बन रहे आलू के पराठे जो कि मेरे फेवरेट है, और इनके भी होने चाहिए लेकिन इनके बिल्कुल भी फेवरेट नहीं है। टुक्की के हैं, यूवी के भी नहीं है, यूवी भी नहीं खाता और आदि तो खाता ही नहीं है। लेकिन मैं इनसे रोज बोलता हूँ कि भाई आलू के पराठे खाए करो, तुम्हारे लिए हेल्दी है। मेरे लिए हेल्दी नहीं, इनके लिए तो हेल्दी है ना, इसलिए मैं खा लेता हूँ कभी कभी। अभी मैं जिम छोड़ा हुआ है, जिम बिल्कुल भी नहीं जा रहा, जिम जाऊँगा तो बताऊँगा आपको, लेकिन अभी बिल्कुल छोड़ा हुआ है क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है जिम जाने का, है ना भाई आदि। तो आज आदि को भी खिलाएंगे आलू के पराठे। और बन रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। और देखो मौसम बिल्कुल बारिश वाला था अभी भी, और अभी बारिश नहीं आ रही है, एसी मैंने चला दिया है। और आलू के पराठे जो बन रहे मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये रहा हमारा आलू, और ये रे क्या बोलते हैं उसको, ये रही चाय, और ये रहा वो पुराना सड़ा वाला चेहरा। क्या बोल दिया ये मैंने, इतनी सच्चाई थोड़ी बोलनी थी लोग। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। चलो भाई अब मैं हाथ वाथ धो लेता हूँ फिर मैं खाऊंगा। आइए देखते मजा आएगा। ये देखा अपने पति को मार दी। देखा देख लिया आपने, अब बाद में मत कहना। और गाइस हाँ, मेरे को ऐसा लगता है आपको जैसे बाइक से रिलेटेड और मेरी कार से रिलेटेड वीडियो ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैंने अभी देखो बीच में सर्विस करवाने गया था अभी मैं 2-3 दिन पहले, तो आपने उसको बहुत प्यार दिया है, उस पर 1K व्यूज करवा दिया, उसके लिए थैंक यू। और छोटा सा एक सेलिब्रेट करेंगे उसको हम, क्योंकि आपने हमारे काफी टाइम बाद व्लॉग पे, हमारे डेली रूटीन व्लॉग पे 1K व्यूज करवाए, उससे ज्यादा ही हो गए हैं।
और होप करता हूँ मैं आने वाली वीडियो भी ना इसी टाइप की बनाऊं, आपको दिखाऊं सर्विस के बारे में कि मिस्त्री जो होते हैं वो किस तरीके से आपको कैसे पागल बनाते हैं वो मैं दिखाना चाहूंगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और दूसरा मैं दिखाऊंगा अब आपको किसी नेक्स्ट गाड़ी की सर्विस होते हुए और उसमें क्या क्या मेजर सर्विस में क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या लगता है, क्या क्या किस तरीके से मिस्त्री अपने पैसे बनाता है, तो वो सब चीज आपको हम बहुत जल्द इस वीडियो में दिखाएंगे। एक प्रॉपर उसकी एक वीडियो आएगी तो प्लीज उस वीडियो का वेट करो, क्योंकि मेरी काफ़ी मिस्त्री मेरे जानकार है जिनसे मेरा बहुत प्यार मोहब्बत है, तो उनसे मैंने बात करी है कि भाई मेरे को इस तरीके की वीडियो बनानी है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई आप आ जाना और आप बनाना और हम आपको बताएंगे कि हम कैसे कस्टमर को पागल बना के पैसे ऐंठते हैं। अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं दिखाऊंगा कि आपको किस किस चीज पे ध्यान देना चाहिए अपनी सर्विस करवाते समय, और सर्विस हो सके तो अपने सामने करवाओ तो वो बेटर होगी, क्योंकि मैंने करवाई थी वहां पर, मुझे ब्लॉग बनाने के लिए मना करा था, तो मैंने कहा मैंने भाई मैं उस वाली एजेंसी में जाता था दिलशाद गार्डन वाली में, तो उन्होंने तो कभी मना नहीं करा वीडियो बनाने, तो आप क्यों कर रहे हो, फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला, फिर मैंने वीडियो बनाई। उन्होंने भी देखो सीन करा था मेरे साथ, क्या सीन करा था कि मेरी गाड़ी का ऑयल ही नहीं निकाल रहा, बताओ फिल्टर ऑयल जहाँ पे फिल्टर होता है ऑयल वाला फिल्टर, वहां से कैसे ही वो निकल जाएगा भाई सारा क्या बोलते हैं ऑयल, जब नीचे वाला जो उसका नीचे का जो बट वो होता है नट होता है, जब तक वो नहीं खुलेगा तब तक कैसे निकलेगा, कम से कम 100-150 ग्राम 200 ग्राम के करीब बाद में भी ऑयल निकला उसमें गंदा काला, तो मैंने वो नट खुलवाया था, फिर वो सारा निकला है, और उसके बाद क्या नाम उसके बाद जाके क्या बोलते हैं उसमें फिर मैंने ऑयल डलवाया, ठीक है। और दूसरा अभी गाड़ी में थोड़ी सी ना मेरी प्रॉब्लम आ रही है, वो दिखाऊंगा आपको, उन्होंने जो खोला था वो नट की वजह से ही होती है, वो जो होता है लेग गार्ड का नट, तो वो देखता हूँ अगर मुझको टाइम मिला तो देखता हूँ आज जाऊँगा, नहीं तो जिस दिन टाइम मिलेगा तो पक्का जाऊँगा और वहाँ दिखाऊँगा मैं अपनी गाड़ी को। चलो गाइस अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो गई, कोई बात नहीं, अब बच्चों के साथ थोड़ा एंजॉय करते हैं, टीवी देखते हैं, ये कार्टून देखते हैं। तो गाइस मेरा आ चुका है नाश्ता, लंच दोनों इकट्ठा ही है, ठीक है, ब्रंच हो गया ये हमारा, और टाइम दिखा देता हूँ किस टाइम, अच्छा 2:30 बज रहे मतलब इस टाइम, तो लंच और ब्रेकफास्ट साथ ही कर रहा हूँ। हेलो गाइस कैसे हो, तो ये है नेक्स्ट डे और मैं जा रहा हूँ किसी काम से मीटिंग में, तो मैंने सोचा आपसे भी थोड़ा सा मुलाकात हो जाए, और बस वहाँ से फ़ोन आए जा रहे, बहुत फ़ोन आ गए, अब क्या बोलूँ यार मैं तो रेड लाइट पे खड़ा हूँ। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ जैसे कि एक मीटिंग में मुझे जाना है, तो मैंने आपको शायद बताया नहीं था, और ये कंटिन्यू कर रहा हूँ उस व्लॉग को जो मैंने इससे पहले अभी बहुत ज़्यादा लेक्चर दिए थे ना उसको ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, और देखता हूँ यार एक तो ना सुबह सुबह के टाइम ना बहुत ज़्यादा मत्थाखोरी होती है, और आज ये वाला जो रास्ता ये बनता, ये देखो अभी भी जाम लग रहा है इधर, और मैं पूरा कृष्णा नगर घुमा के आया हूँ, और मुझे थोड़ा सिलमपुर तक काम है, मेरा फ्रेंड है छोटा भाई है उसके पास जाना है मुझे, मैं वहाँ पे जाकर और फिर शायद वहाँ की वीडियो ना बना पाऊँ, तो जो भी होगा जितना पॉसिबल होगा मैं आपको दिखाऊँगा बताऊँगा कहाँ जा रहा हूँ किस लिए जा रहा हूँ ये नहीं बताऊँगा। चलो यार मैं किसी काम से जा रहा हूँ, मीटिंग है मेरी बहुत ज़रूरी अटेंड करनी है वो मीटिंग आज मुझे, और तो फिर मिलते आपको थोड़ी देर में। और थोड़े से रोड देखो देखो ये भाई साहब ऑटो वाले एक लाइन में नहीं चलते यार, अब मैं कितने हॉर्न मार रहा हूँ तो इसको सोचना तो चाहिए कि भाई कोई हॉर्न मार रहा है तो कम से कम साइड ही कर लें, लेकिन नहीं भाई तू साइड से जा या तू अपने गाड़ी में पंखड़ियां लगा, ये देखा साइड नहीं कर सकता ये बंदा, कोई बात नहीं हम साइड से निकल जाएंगे। A few moments later. भाई आज काफी टाइम बाद आए हैं ये लोग गोलगप्पे खाने के लिए, तो आज है संडे, टाइम हो रहा है रात के 10 बजने वाले, अब ये खाएंगे गोलगप्पे, फिर उसके बाद एक जगह जाना, मोबाइल का थोड़ा सा काम करवाना है, रिंग वगैरह मंगाई थी कैमरे की तो वो लगवानी है। भाई मैंने मंगाई अपने लिए खाली बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले खा लेंगे बल्ले बल्ले, खाएगी पहले मैं टेस्ट कर लूं, देख ले इसकी खांसी हो रही है ना, माने करू तेरी गुद्दी लाल खा के ठीक होएगी खांसी, करू तेरी गुद्दी लाल
देर में खाएगी और उसे देखो बच्ची ताले हो मोमोज ताले हो ये भी पूरी बिली में ये भी ले एक बाइट तो खाने के लिए वो भी बच्चों को खाने हैं तो इनको आज इनकी थोड़ी सी पार्टी वार्टी हो रही है अभी तो ये गोलगप्पे खा के आए हैं एक प्लेट अब खाएंगे मोमोज तो ये वागे इनके मोमोज वो भी यूवी की डिमांड पे कौन से वाले हैं ये कुरकुरे कुरकुरे मोमोज तो लो जी दूसरी प्लेट भी आ चुकी है ये देखो तीसरी प्लेट सॉरी